जय हिंद साथियों, टाउन फिजिकल एंड मोटिवेशन एकेडमी में आपका स्वागत है। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जिनको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम देने जाना है, जिसकी डेट थी 22 फरवरी से 28 फरवरी। लेकिन बहुत से भाई हमारे ऐसे भी हैं जिनको डेट मार्च में मिली है, 2 मार्च, 3 मार्च, 5 मार्च। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि अरे यार, नोटिफिकेशन में तो 22 तारीख से 28 फरवरी दिया गया था, तो मेरा डेट क्यों बाहर हो गया। आपको हम बताना चाहते हैं कि जो सोच थी कि इतने लोग फॉर्म भरेंगे, इतने दिन के अंदर हम लोग एग्जाम करा लेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लोगों ने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है, जिसकी वजह से डेट को बढ़ाया गया है। गवर्नमेंट की तरफ से इस चीज का निर्णय लिया गया है कि इस डेट में इतने 22 तारीख से 28 तारीख के बीच में इतने लोगों का एक साथ एग्जाम करा पाना मुश्किल था, इसलिए लोगों को दूसरी डेट दी गई है। तो आपको हैरान या परेशान होने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात, जो भी भाई हमारे ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या रीजन है कि उनका एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है, आपको हम बताना चाहते हैं कि आपने जो ईमेल आईडी दिया था और पासवर्ड दिया था, यदि आप गलत भर रहे हैं तो इस वजह से आपका एडमिट कार्ड नहीं निकल पा रहा है। बहुत से ऐसे हमारे भाई हैं जिनका एडमिट कार्ड लॉक कर दिया गया है। लॉक क्यों होता है एडमिट कार्ड? जब आप किसी भी चीज का गलत पासवर्ड डालते हैं, एक बार में नहीं लॉक होगा, दो बार में नहीं होगा, चार बार में नहीं होगा। इसमें सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो वेबसाइट है, उस पर आपको 10 चांस दिया गया है। 10 बार से यदि अधिक किसी ने ट्राई कर लिया तो आपका एडमिट कार्ड लॉक कर दिया जाएगा, और ऐसे हालात में आप एडमिट कार्ड निकाल भी नहीं पाएंगे और उस परीक्षा से बाहर कर दिए जाएंगे। तो मेरी सभी भाइयों से यही गुजारिश है कि आपका जो भी डेट है, तो आप सावधानी पूर्वक जो ईमेल आईडी आप दिए थे उस पर आपका पासवर्ड होगा, आप उसको निकाल करके सावधानी पूर्वक उसको भरिए, ताकि आपका एडमिट कार्ड सही तरीके से निकल जाए। अन्यथा यदि आप दिमाग से सिर्फ सोच करके करें कि यही पासवर्ड तो हम दिए थे, तो ऐसे में मिस्टेक हो रहा है। बहुत से हमारे भाई ऐसे हैं जिनका एडमिट कार्ड लॉक कर दिया गया है। तो हम आप लोग से यही बताना चाहते हैं कि आप देखिए, आप जो जो एजेंसी इस वैकेंसी को करा रही है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर उसमें दिया गया है, तो आप उस कॉन्टेक्ट पे संपर्क करके भी अपना अपनी जो भी समस्या आप उसको बता सकते हैं। फिर उसके बाद आप एग्जाम सेंटर में जाने वाली बात आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो भी फोटो आपने फॉर्म अप्लाई करते वक्त जो फोटो आप फॉर्म पे लगाए हैं, वही फोटो, दो फोटो आपको साथ में लेकर के वहां पे जाना एग्जाम सेंटर में। फिर उसके बाद आपको नीली पेन या काली पेन, बोले तो ब्लू या ब्लैक, दो पेन में से कोई भी पेन आप लेकर के वहां पे जा सकते हैं, और अपने साथ रफ पेपर यानी कि सिर्फ सादा पेज लेकर के आप जा सकते हैं, ताकि आप रफ कार्य वहां पे कर सकें। फिर उसके बाद आपका एक आईडी प्रूफ रहना चाहिए, फोटो आईडी प्रूफ, जिससे ये मैच हो सके कि हाँ, वाकई में जिस लड़के ने फॉर्म को भरा है वही लड़का एग्जाम देने के लिए आ रहा है। तो आपके साथ आपके पास वही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, फोटोकॉपी वहां पे मान्य नहीं होगा। आप ओरिजिनल कोई भी अपना डॉक्यूमेंट, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जा सकते हैं, आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, फिर उसके बाद वोटर आईडी आप लेकर के जा सकते हैं, लेकिन आपके पास ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। यदि आप ओरिजिनल नहीं लेके जाएंगे तो आपको एंट्री वहां पे नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड है, कलर एडमिट कार्ड आपको निकालना है। अब ये नहीं कि जो सादा व्हाइट वाला आपको नहीं निकालना है, आपको कलर प्रिंट आउट निकाल करके, दो प्रिंट आउट आप लेकर के एडमिट कार्ड का जाइएगा। फिर उसके बाद आप वहां पे जाइएगा, आपका वहां पे चेक होगा, और अपना जिस हिसाब से आपका फोटो, आपका फेस भी उसी हिसाब से रहना चाहिए। अब ये नहीं कि फोटो आप खिंचाए थे उसमें आप शेविंग कराए थे और एग्जाम सेंटर में जाते वक्त पूरा दाढ़ी बढ़ा करके आप जाएं, तो ऐसे हालात में यदि आपका फोटो मैच नहीं करेगा तब भी आपको एडमिट एंट्री करने से रोक दिया जाएगा वहां पे। तो आप जैसे फोटो लगाए हैं सेम वैसे ही अपने आप को बना करके वहां पे जाइएगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि किसी को कोई चीज ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।